हेलो फ्रेंड, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आप देख रहे हैं खूबसूरत सा हरा भरा सा ये जो प्लांट, ये मेरा करी पत्ता का प्लांट है फ्रेंड। और ये मेरे सारे करी पत्ता के प्लांट के कलेक्शन है। मेरे पास और भी करी पत्ता के प्लांट हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरा प्लांट कितना सुंदर, हेल्दी और ये लस ग्रीन बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा है। तो मैं किस तरह से इनकी केयर करती हूँ, किस तरह से इसे भूसी बनाती हूँ और इतना हेल्दी रखती हूँ, आज उसी टॉपिक पर बात करेंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक और करी पत्ता का प्लांट है और आप देख सकते हैं कि प्लांट मेरा कितना भूसी है। इसमें बहुत सारे ब्रांच जो हैं देखिए निकल कर आई हुई हैं और प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहा है। मेरा ये जो करी पत्ता का प्लांट है ये इतना भूसी किस तरह से है, तो मैंने फरवरी मंथ में इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। मैंने आप लोग से शेयर भी किया था फ्रेंड। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इस प्लांट की आप ग्रोथ देख सकते हैं। इस प्लांट में हर जगह से ढेर सारी ब्रांच जो हैं वो निकल कर आई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कितनी सारी 3-4 ब्रांच एक ही जगह से निकल कर आई हैं और इस तरह से ये प्लांट जो है मेरा बूसी हो गया है। तो हार्ड प्रून करने का देखिए यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया था, बिल्कुल नीचे से भी मैंने इसे कट किया था। तो इस तरह से प्लांट जो है मेरा इतना घना और बूसी हो गया है। विंटर में हमारा ये करी पत्ता का जो प्लांट है वो डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। प्लांट भी बहुत ही डल सा लगने लगता है। मेरे भी सारे प्लांट जो हैं बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, इनके पत्ते भी झड़ गए थे, येलो हो गए थे। उसके बाद जब फरवरी में हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ही बूसी भी हो जाता है फ्रेंड। तो अगर आपने अपने करी पत्ता के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो अभी आप इनमें सॉफ्ट प्रूनिंग ऊपर से इनकी पिंचिंग कर सकते हैं, इससे भी प्लांट आपका जो है वो भूसी बन जाएगा। करी पत्ता का जो प्लांट है ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। इसे हम अपने खाने में यूज करते हैं, बालों के लिए यूज करते हैं। ये बहुत ही हमारे हेल्थ के दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्लांट माना जाता है। तो इसे हमारे हमें अपने घर में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सभी को अपने घर में करी पत्ता का जो प्लांट है इसे लगाना चाहिए। देखिए मैंने इसके कितने सारे कलेक्शन जो है वो रेडी कर रखे हैं। ये जो प्लांट है करी पत्ता का, ये फुल सनलाइट का प्लांट है। इसे पूरे दिन की तेज धूप में आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। इस प्लांट को ज़्यादा केयर और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही लो मेंटेनेंस का ये जो प्लांट है। तो मैंने अपने प्लांट को हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसमें एक बार फर्टिलाइज़र ऐड किया था। उसके बाद मैं इसमें साल में एक या दो बार ही फर्टिलाइज़र देती हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इनको देती रहती हूँ। इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अपने करी पत्ता के प्लांट पर कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ जिससे मेरे प्लांट जो हैं इतने हरे भरे और हेल्दी ग्रो हो रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो कौन सा फर्टिलाइज़र है। तो ये देखिए, ये है गोबर की खाद फ्रेंड। ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, मार्केट की नहीं है। ये गोबर की खाद है, बहुत ही पुरानी गोबर की खाद है। इसी का मैं यूज़ मैं अपने सभी करी पत्ता के प्लांट पर करती हूँ। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मैंने इन सभी में गोबर की खाद ही ऐड किया है और फिलहाल मैं इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। उसके बाद मैं इनमें लिक्विड बनाकर इन्हें देती रहती हूँ। और वो देखिए, वो है, ये देखिए, ये दाल का और चावल का पानी है। जब हम दाल और चावल को धो लेते हैं तो उसका जो पानी निकलता है तो उसी को मैं अपने करी पत्ता के प्लांट पर दे देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सभी पर इसका मैं यूज कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे रहते हैं ये हमारे करी पत्ता के प्लांट के लिए, उसे हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो करता है और इनके जो पत्ते हैं वो ग्रीन, बहुत ही ग्रीनरी बनी रहती है। इनमें ब्रांच निकल रही हैं, इसमें सभी प्लांट में मेरे ढेर सारी ब्रांच जो हैं वो निकल कर आई हैं। इस तरह से अगर आपने हार्ड प्रून नहीं किया है तो फिर आप इनके ऊपर से पिंचिंग करते रहिए, इससे भी प्लांट जो है भूसी हो जाता है। जैसे देख सकते ऊपर की जो टिप है, बस इसे आप ऊपर से पिंच कर दीजिए तो प्लांट आपका भूसी होता जाएगा। इस तरह से भी आप अपने करी पत्ता के प्लांट को भूसी कर सकते हैं फ्रेंड। तो यही सारे टिप्स जो है मैं अपने करी पत्ता के प्लांट पर यूज करते रहती हूँ फ्रेंड। गोबर की खाद बहुत ही अच्छा होता है इनके लिए, बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है हमारे करी पत्ता के प्लांट के लिए। तो इसी सब का यूज करके मैं अपने करी पत्ता के प्लांट को इतना हेल्दी और इतना भूसी बनाती हूँ। और इस पर चावल और दाल का जो पानी निकलता है उसका भी आप डालते रहिए, बहुत ही अच्छा होता है हमारे करी पत्ता के प्लांट के लिए फ्रेंड। तो फिर कैसे लगी फ्रेंड आपको मेरा आज का यह टिप्स और ये मेरे करी पत्ता के प्लांट? अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।